सिंगरौली नगर निगम परिषद की बैठक में नवजीवन विहार स्थित शिवाजी कॉम्प्लेक्स के पाइप निर्माण घोटाले में नगर निगम कमिश्नर ने उपयंत्री अनुज को सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सिंगरौली नगर पालिका निगम परिषद में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्षदों ने नवजीवन विहार के वार्ड क्रमांक 32 में पाइपलाइन के फर्जी रूप से बिना कार्य के 38 लाख के भुगतान का मुद्दा उठाया, जिस पर नगर निगम कमिश्नर दयाशंकर शर्मा ने उपयंत्री अनुज को सस्पेंड कर दिया, साथ ही बाकी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया। नगर पालिक निगम सिंगरौली की परिषद की बैठक में कल ये विषय आया था कि वार्ड क्रमांक 32 नवजीवन विहार के शिवाजी कॉम्प्लेक्स में जो पाइपलाइन का भुगतान हुआ था उसमें अनियमितता हुई है, जिसकी जांच चल रही थी। जांच की कार्यवाही पर परिषद की बैठक को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था तथा परिषद में मांग की गई थी कि जो भी दोषी उसमें कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, जिसके तारतम्य में एक उप सब इंजीनियर को निलंबित किया गया था तथा उसमें चार अन्य जो अधिकारी थे उन अधिकारियों का प्रभार हटाने का आदेश किया गया था। उसके बाद परिषद की बैठक पुनः प्रारंभ हो गई थी और उसमें परिषद के समक्ष ये अवगत कराया गया था कि सभी अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी होकर के विभागीय जांच की कार्रवाई की जा रही है। वो विभागीय जांच की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत अधिकारी जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी तथा संविदाकार उससे जितनी भी राशि जांच के अंतिम निष्कर्ष पर निकलेगी उसकी वसूली होगी तथा सभी के विरुद्ध कार्रवाई करके सदन को अवगत कराया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।